नमस्कार। आज मैं अपना परिचय देने से पहले एक ऐसे शख्स का परिचय देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले महज कुछ ही सालों के अंदर रियल एस्टेट में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से रियल एस्टेट में एक नया ही आयाम स्थापित किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करके सिग्नेचर ग्लोबल ने इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया, इसके पीछे सर आपका विजन क्या रहा है शुरुआत से ही? देखिए, 2011 में जब हमने सिग्नेचर ग्लोबल को स्टार्ट किया तो हमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लग गई थी कि रियल एस्टेट में जो आने वाला टाइम है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। लेकिन उस वक्त के कुछ हालात कह सकते हैं या गवर्नमेंट का एक नज़रिया कह सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके कोई एनकरेजमेंट ऐसा था नहीं जिससे हमें ये लगे कि हम इस अफोर्डेबल हाउसिंग को कर पाएंगे। लेकिन जब 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद मोदी जी के जो फर्स्ट 5 कोर एजेंडा थे उनमें अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे पहले नंबर पे था। उस वक्त हमें ये समझ में आ चुका था कि आने वाला जो वक्त है वो केवल और केवल अफोर्डेबल हाउसिंग का है। क्योंकि अगर आप और दूसरे डेवलपर्स को देखें तो पिछले 15 साल में ज़्यादातर जितने भी घर जो लोगों को दिए जा रहे थे वो सब प्रीमियम सेगमेंट के थे, जिसके अंदर जिनकी सैलरी रेंज 30,000 से 50,000 के बीच में है, उन लोगों के बारे में कुछ भी ऐसा कोई घर नहीं था जिससे वो अपने घर में रह सकें। ज़्यादातर घर जिनकी कीमत 50 लाख रुपए या उनसे ज़्यादा थी, या कह सकते हैं जिनको अपना दूसरा घर लेना था, उनके लिए 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के रेट अवेलेबल थे। तो हमने देखा एक मार्केट में जो सर्वे हमने 2013 में कराया, लगभग 1,000 लोगों के ऊपर हमने वो सर्वे कराया, जिसमें बड़ा एक ड्रामेटिक रिजल्ट हमें मिला कि लगभग 700 लोग ये पूछ रहे थे कि ये मकान हमें कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं जिनकी प्राइस रेंज 12 लाख रुपए से लेके और 25 लाख रुपए के बीच में है। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने अफोर्डेबल में काम किया है, लेकिन अफोर्डेबल का नज़रिया डिफरेंट था। आउटकट्स में जाके, थोड़ा सा मेन एरिया से बाहर निकल के, जहाँ पे लैंड प्राइजेस काफ़ी कम हैं वहाँ पे जाके वो लोग अफोर्डेबल बना रहे थे। लेकिन हमने इस एक चकवी को कहें तो तोड़ा है, और आज सिग्नेचर ग्लोबल लगभग 9 प्रोजेक्ट मेन गुड़गांव में, जो भी आप सेक्टर, जिन भी सेक्टर्स के आप नाम लें, सेक्टर 107, सेक्टर 103, सेक्टर 81, सेक्टर 71, सेक्टर 93, सेक्टर 95A, और भी इससे ज़्यादा बेहतर सेक्टर, लगभग 9 के लगभग हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें 9500 के लगभग यूनिट हम लोगों को बुक कर चुके हैं या प्रोवाइड करा चुके हैं। तो सर, सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में ही निवेश, कोई लग्जरी सेगमेंट नहीं, कोई और सेगमेंट नहीं, जहां एक तरफ हम कह सकते हैं कि पूरी मार्केट एक टाइम पर जब लग्जरीज की तरफ भाग रही थी, तो इस सोच के पीछे कोई खास वजह? देखिए, जब आप किसी एक डिफरेंट लाइन में खड़ा होते हैं तो आपको एक विज़न ये लेना पड़ता है कि आप किस सेगमेंट को, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जितने भी डेवलपर हैं उन लोगों ने अभी तक इस सेगमेंट को टारगेट ही नहीं किया। मैंने जैसे आपको बताया कि मोदी जी का जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 में लगभग 2 करोड़ घर 2022 तक उन लोगों को मुहैया कराने हैं। अब एक नंबर्स पे ज़रा निगाह डालिए, हर 6 पर्सन अर्बनाइज हो रहा है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका हर छठा व्यक्ति मेट्रो सिटीज़ की तरफ भाग रहा है। हर एक साल में लगभग 1 करोड़ लोग जो शहरों की तरफ आ जाते हैं। अगर 2030 की मैं बात करूं तो लगभग 60 करोड़ लोग इन शहरों की तरफ आ चुके होंगे, जो टीयर 1 और मेट्रो सिटीज़ की तरफ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज जो इतनी पॉपुलेशन के अंदर भी अगर उन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को रेंटेड हाउस में रहना पड़ता है या ऐसी अनरेगुलराइज कॉलोनीज में रहना पड़ता है,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में ये तस्वीर इससे भी ज़्यादा भयावह होगी अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बने। दूसरा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आज घर लेने वाला व्यक्ति है वो कौन है। 1999 और 2000 में जो एवरेज एज थी होम लोन लेने वालों की वो लगभग 43 इयर्स थी, जो 2021 तक लगभग 30 से 31 साल की रहने वाली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस वक्त लोग जो घर ले रहे हैं, आज जो सैलरीड बेस क्लास है, शॉपकीपर्स हैं, या ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, कम पैसा है लेकिन अपना घर लेना चाहते हैं और बन नहीं पाता, वो लोग इन अफोर्डेबल हाउसिंग में अपने इन घरों को ले सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट के जो इतने गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, अगर ये नहीं होते तो शायद ये संभव नहीं होता। इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है अफोर्डेबल हाउसिंग को। दूसरा, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो 30 मीटर तक के मकान पे, और अगर मेट्रो सिटीज़ के बाहर हैं तो 60 मीटर तक के मकान पे बहुत सारी छूट दी हैं उसमें। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप होम लोन ले सकते हैं जिसमें लगभग 2,67,000 रुपये तक का आपका बेनिफिट मिलता है आपको। इसके अलावा और भी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर हम जीएसटी से पहले कहें तो लगभग जो सर्विस टैक्स है वो इसमें एग्जेम्प्ट था, और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रियल इस्टेट में 12% का जीएसटी लगाया गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी उसके लिए उसको सेम ही रखा गया है। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से ऑलरेडी इस बारे में अपनी चिंता जता चुके हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में पहले भी सर्विस टैक्स को हटाया गया था, तो मुझे लगता है वो हमारी बात सुन रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी जीएसटी के लेवल पे भी हमें देखने को मिले। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही था कि पहले जैसे सर्विस टैक्स से एक्सेम्प्ट किया गया था अफोर्डेबल हाउसिंग को, और अब कहीं ना कहीं जीएसटी की मार है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हाँ, अब हमारी जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी जो अभी तक हमें 20-25 लाख में मिल जाती थी, अब वो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगी ड्यू टू जीएसटी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच बिल्कुल क्लियर है। आज अगर आप इसराइल का एक भाषण देखें, उनका लास्ट स्पीच देखें, वहाँ पे भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वो हर परिवार और एक घर की बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी का जो मेन मोटिव है वो भी यही है, हर परिवार एक घर। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बनाने के लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े वो हर वो संभव कदम उठाएंगे, और इसीलिए हम बहुत होपफुल हैं कि जो जीएसटी 12% इसके अंदर सेम जो और रियल इस्टेट में प्रीमियम सेगमेंट में भी रखा गया है उसको ये घटा के लगभग 6% से भी नीचे लाएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। सर बिल्कुल सर, उम्मीद शायद सफल हो हम सभी लोगों की। सर मेरा ये भी अगला सवाल है कि कहीं ना कहीं अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो महंगा हो जाएगा जीएसटी के तहत, तो उसकी भी तो मार कहीं ना कहीं ग्राहक को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा तो ऑब्वियसली घर बनाने की लागत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बिल्डर उसका प्रेशर शिफ्ट कर सकता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा नहीं होगा। आप जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी जीएसटी के रेट जिस भी आइटम को रखे हैं वो लगभग वही हैं। अगर इससे पहले जो भी सीमेंट या स्टील के ऊपर लगभग सारे टैक्सेस मिला के जितना टैक्स बनता था उतना ही टैक्स लगभग इस वक्त ही लग रहा है। फ़र्क केवल यह है कि उसको सिस्टमेटिक होने का एक वे है कि क्या कितना डेवलपर को पास ऑन करना है, कितना पैसा उसका कंस्ट्रक्शन पे लगता है। मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा एक बेहतर सवाल और आपके लिए हो सकता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है उसमें क्या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये समझिए आज का जो ज़माना है वो एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बिल्कुल सर, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कन्वेंशनल या पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसी वे में उस कंस्ट्रक्शन को करते रहें और इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन आप क्रिएट कर पाएँ। इवन आप चाइना में देखिए, इवन आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग, हांगकॉन्ग, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट की हुई मिलेंगे। उन लोगों ने भी ऐसे इनोवेशन किए हैं। इवन उसी सेम लाइन पे हम लोगों ने भी काम किया है। आप जो अफोर्डेबल हाउसिंग अभी हम लोगों को मुहैया करा रहे हैं
उसमें हमने खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। आप उन्हें उनका घर देना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल सेंटर में बनानी पड़ेगी कि क्वालिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। और सिग्नेचर ग्लोबल इस चीज़ के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कभी भी जो भी फ्लैट सिग्नेचर ग्लोबल के बन रहे हैं उसमें क्वालिटी और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, तो अभी नए कानून है रेरा और जीएसटी दोनों ही, और दोनों से ही लोगों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, चाहे बिल्डर हो, चैनल पार्टनर्स हो, ग्राहक हो, सभी में कन्फ्यूजन है कि कहाँ खुद को रजिस्टर करें, कितना कोस्ट बर्डन हमारे ऊपर आएगा, जीएसटी क्या मेरे घर के सपने को पूरा होने से रोक रहा है, बहुत कुछ है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, रेरा मैं पर्सनली फील करता हूँ बहुत अच्छा कदम है। देखिए, जिस चीज़ में कोई भी बिजनेस अगर वो अनरेगुलाइज है किसी भी सेक्टर में, तो उसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो ही नहीं सकता। आप कोई भी मार्केट ले लीजिए, जहाँ पे रेगुलेटर नहीं है वहाँ पे उन बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं हो पाई है। जहाँ पे रेगुलेटर हैं, आप उन मार्केट्स को देखिए, आप फाइनेंशियल मार्केट को देख सकते हैं, सेबी वहाँ पे रेगुलेटर हैं, आज वो मार्केट किस लेवल के ऊपर चल रही है। बहुत सारे आप कितने भी रेगुलेटर हैं उनका देखिए, उनकी मार्केट का एक लोगों के अंदर भरोसा उनको लेके बना रहता है। रेरा मैं मान के चलता हूँ बहुत अच्छा कानून है, इसके अंदर कम से कम उस कंज्यूमर को ये विश्वास आता है कि मैं अब जिस भी बिल्डर से, जिस भी डेवलपर से वो फ्लैट लेने वाला हूँ, मुझे वो अपना घर मिल जाएगा। और कम से कम मेरी अप्रोच तो इसमें ये है कि रेरा इज़ लाइक ए ब्रांडिंग, आप उसे एज ए ब्रांड यूज़ करिए कि आप अगर कहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है, तो आपके कंज्यूमर का फेथ आपके ऊपर बढ़ता है। और मुझे लगता है केवल वही लोग इससे डर सकते हैं जो लोग एक कानूनी दायरे में काम नहीं करना चाहते, या जिन लोगों को, जो लोग कानून को अभी तक कुछ नहीं मानते थे। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेटाइज मैनर में आना पड़ेगा, कॉर्पोरेटाइज वेज में काम करना पड़ेगा। आज जितने भी मोदी जी की गवर्नमेंट ने काम किए, चाहे रेरा है, चाहे जीएसटी है, या जो भी बिल्स लेके आए हैं, चाहे आप डिमोनेटाइजेशन का इशू देखें, तो उनका मेन मोटिव ही ये है कि लोग ज़्यादातर अपना जो काम है वो गवर्नमेंट को टैक्स दें, प्रॉपर मैनर में करें, और शायद ये भी उसी दिशा का एक कदम है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि सर, अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको केकेआर ग्रुप की तरफ से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिली है, तो क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि अब बाकी मार्केट भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग की पार्ट की तरफ अपने आपको ज़्यादा विश्वास जता रहा है उसमें इन्वेस्ट करने का? देखिए, जैसा अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आप जितना रेगुलराइज होते जाएंगे, इंस्टीट्यूशन आपकी तरफ अट्रैक्टिव होती जाएंगी। आज बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, इतना पैसा उन लोगों के पास है कि वो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी ट्रबल यही रही है कि ज़्यादातर डेवलपर रेगुलराइज नहीं है, उनका अकाउंटिंग जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर जो है वो अपनी शिकायत लेके कोर्ट्स में जा रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक फियर उनके अंदर बना रहता है। केकेआर ने लास्ट जो अभी हमारी उनसे डील हुई है उसमें लगभग 200 करोड़ के नियर अबाउट उन्होंने फंड इन्वेस्ट किया है सिग्नेचर ग्लोबल में। इससे लास्ट ईयर ICICI प्रोडेंशियल ने भी इसमें 150 करोड़ के नियर अबाउट का निवेश किया था, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जो अभी हमें अप्रोच कर रही हैं कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जितना भी रुपया चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। इवन ऐसे बहुत सारे फॉरेन फंड्स भी हैं जो लोग हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि जितना भी फंड इन्हें रिक्वायर्ड होगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो सर, हम ये कह सकते हैं अपना घर लेने वाले दर्शकों को कि सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से आप लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सर, फ्यूचर अप्रोच सिग्नेचर ग्लोबल अब कहाँ कहाँ नए प्रोजेक्ट्स लाने वाला है, लोगों के लिए क्या क्या और नई चीज़ें आने वाली हैं? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लगभग गुड़गांव में इस फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 में लगभग 20,000 के नियर अबाउट हम बुकिंग लोगों की कर चुके होंगे, और 2018 में ही लगभग तीन डिलीवरी का मतलब है लगभग 3,000 फ्लैट्स हम लोगों को दिल्ली NCR की सबसे पहली अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के 3 सोसाइटी लगभग 3,000 फ्लैट हम लोगों को डिलीवर करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम राजनगर एक्सटेंशन में
एक 20 लाख स्क्वायर फीट के नियर अबाउट लगभग 2000 फ्लैट्स के नियर अबाउट लॉन्च कर रहे हैं, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर लॉन्च कर देंगे। इससे अगला जो यूपी में ही हम लखनऊ में और भी ऐसी संभावनाएं तलाश रहे हैं जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जा सकती है। इसके बाद जो हमारा और दूसरा बड़ा एरिया है वो है मुंबई। मुंबई के अंदर क्योंकि 30 मीटर 500 स्क्वायर फीट के लगभग के घरों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको छोटे बिल्डर्स 500 स्क्वायर फीट के घर बढ़ाते हुए मिल जाएंगे, बड़े बिल्डर्स जो हैं वो बड़े ही मकान बना रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े आप नाम लें। तो हमने रिसेंटली हम मान के चल रहे हैं कि अगले एक क्वार्टर तक हम ऐसे कुछ वहाँ पे JDA कर पाएंगे जिससे हम केवल 30 मीटर की जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है कि आप मेट्रो सिटीज में 30 मीटर तक का जो मकान बनाएंगे जिसका सुपर एरिया लगभग 530 स्क्वायर फीट होता है और कारपेट एरिया लगभग 322 स्क्वायर फीट होता है, वो मकान हम मुहैया कराने जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो पूना। पूना भी एक बहुत बड़ा IT हब है, ऑटो हब है, वहाँ पे भी ऐसे घरों की बहुत डिमांड है। तो सिग्नेचर ग्लोबल का इस वक्त पूरे देश में जहाँ पे भी ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर लोगों के घर लेने की डिमांड है, हम उस हर कोने को छूना चाहते हैं जहाँ पे उस अफोर्डेबल हाउसिंग की लोगों को चाहत है और लोगों को लगता है कि हमें लेना है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर हम लोग जा सकते हैं तो डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। थैंक यू। सिग्नेचर ग्लोबल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपको आपका सपनों का घर देने के लिए। इसी मुहिम में रियलिटी मीडिया भी कोशिश करेगा कि हमारी तरफ से जितने ज्यादा से ज्यादा खबरें हों आप तक पहुंच सके।